आज हम करने वाले हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। एक टैक्सी ड्राइवर है जो किराया ले रहा है पहले किलोमीटर का 15 रुपीज और 8 रुपये ले रहा है एडिशन चार्ज। अब हमें बताना है इसमें एपी स्टार्ट जर्नी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो पहले किलोमीटर में 15 रुपीज ले रहा है और एडिशन चार्ज 8 ले रहा है, मतलब दूसरे किलोमीटर में वो 15 में 8 एडिशन चार्ज ले रहा है, मतलब 23। तीसरे किलोमीटर में वो फिर 8 एडिशन चार्ज लेगा, हो गया 31। और फोर्थ किलोमीटर में फिर एडिशन चार्ज लेगा प्लस 8। इतना काफ़ी है हमारे एपी प्रूफ करने के लिए। अब हम लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी हमारा क्या है 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39। इसे हम A1 कह देते हैं, इसे A2 कह देते हैं, इसे A3 कह देते हैं, इसे A4 कह देते हैं, ठीक है। अब हमें इसे चेक करना पड़ेगा कि AP है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? पहले टर्म को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, मतलब A क्या है, वो 15 है। और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना होगा। A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 क्या है 23 माइनस 15, 23 में से 15 गया क्या आया 8 आया। एक बार और डी चेक करते हैं, A3 माइनस A2 31 माइनस 23 क्या आया 8 आया। एक और बार चेक करते हैं, A4 माइनस A3 39 माइनस 31 क्या आया, 39 में से 31 गया 8 आया, सम में 8 आया, मतलब ये AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका सेम आया है। अब आगे हम लिखते हैं सेंस हायर द टर्म कंटिन्यूली इंक्रीज बढ़ रहा है बाय द सेम नंबर। हर बार कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, सो द लिस्ट फॉर्म एन AP। लिस्ट है फॉर्म कर रहा है AP। थैंक यू फ्रेंड्स।